राइट हैंड से आपको चार काम करने, एक तो राइट मिरर सेट करना है, आपको स्टेयरिंग संभालनी है, इंडिकेटर देना है और अपने हॉर्न देना है। लेफ्ट हैंड से सेंटर मिरर सेट करना है, गियर संभालना है, हैंड ब्रेक नीचे करना है और आपको लेफ्ट मिरर सेट करना है। गाड़ी आपने स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, क्लच आपकी दबी हुई है, दूसरा पैर ब्रेक और रेस यूज़ करता है, तो फर्स्ट गियर लगाएंगे, लेफ्ट करो और आगे। तो देखो समझने के लिए ऐसे हमने एल बना दी, क्या कर दिया, एल बना दी। तो ये हमने एल लेके हमने क्या कर दिया, फर्स्ट गियर ले लिया। आपने राइट पैर से हल्का रेस लेना है, तो गाड़ी रेत में यहाँ पे सामने, ठीक है, एक टायर रेत में, हल्का रेस लेंगे, हल्का क्लिच जैसे बाइक में करते आए थे अभी तक, हल्का रेस क्लिच करके राइट मिरर देखते हुए, रेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लिच पे कंट्रोल होगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, चलिए समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लिच आपकी छूट के झटके से गाड़ी हाथों हाथ बंद हो जाएगी, कई बार आपकी बाइक भी बंदी हुई होगी स्टार्टिंग में, जब आपको याद होगा तो, और क्योंकि आप बाइक को चलाते हो, आपको 40-50-20 साल तो तकरीबन हो गए होंगे, है ना, और इसे तो अभी 20 दिन भी नहीं हुए, पहला दिन चला रहे हैं और चलते रहिए, तो फर्स्ट गियर उठाने में कोई दिक्कत, आराम से रेस मेंटेन करके चलेंगे। पीछे देखो राइट में, अंकल को बचाएंगे, तो थोड़ा सा क्या करना है, हल्का सा राइट निकलना, क्या करना है, और जैसे वो आगे निकल जाएंगे उसके बाद हमने लेफ्ट आ जाना है, रेस बढ़ाना 20 का, कितना बढ़ाएंगे, 20 का, क्लिच दबाएंगे पूरा नीचे और हल्के से दो बार गियर पीछे खींचो, एक दो, रेस मेंटेन करके चलो और क्लिच छोड़ देंगे। ये आ गए हम सेकंड गियर में, सेकंड गियर में जाने में कोई दिक्कत है आपको, और ये हमने 5-6 दिन अपना बेस रोज बनाना है। आगे से जा रहे हैं हम राइट, तो राइट लेफ्ट जा रहे हैं, सॉरी लेफ्ट इंडिकेटर दो नीचे, हाँ ऊपर, आधा क्लिच ब्रेक करेंगे और छोटा मोड़ करके गाड़ी को घुमाते आएंगे, आ जाओ दखल के पास से बिल्कुल पास में आ जाओ, आगे ब्रेकर भी है, आधा क्लिच ब्रेक कर लेंगे, जैसी ब्रेकर निकल गया हल्का हल्का रेस लेंगे और जैसी रेस लोगे आप लेफ्ट संभालो और क्लिच को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, क्लिच छोड़ देंगे, रेस मेंटेन करो, हल्के हाथ से बैलेंस संभालो और स्माइल करते हुए चलते रहो। ये काम आपको मैं 4-5 दिन रोज करवाऊंगा, जैसे आपका बेस मजबूत होगा हम चल जाएंगे फिर 3rd-4th gear में एडवांस काम करने, पहले मजबूत आपको बेस बनाना, बीकाने के लायक बनना फर्स्ट सेकंड गियर में, ठीक है, जैसे आपका बेटा करता है, सारी गाड़ियाँ चला लेता है वो तो फाइटर बन गया, और 16 साल का तो तब सीखी थी उसने, वो अब तो थार थूर कई सारी गाड़ियाँ घुमाता रहता है यार दोस्तों की, और मामा ने भी गिफ्ट कर दी अब तो उसकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले कर दी, मेरा ही मामा ऐसा हो तो बैगनार देने वाला सच में, हाँ गजब, चलते रहिए, ये मामा भी ना तगड़े होते हैं, चलते रहिए बहुत अच्छे। थोड़ा सा इंजन के बारे में बताते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम राइटर की तरफ, ये होता है राइटर, जब भी आप सर्विस कराओगे आर्था से न्यूटर करवाते हैं तो उस टाइम आप राइटर पानी क्लीन करवाना है राइटर को, उसके बाद इसमें डलवाना है और एक बॉक्स यहाँ होता है उसमें बना के रखना है, ठीक है, राइटर हो गया। उसके बाद ये बैटरी, अगर बैटरी के तार लूज हैं, आपके बैटरी के तार लूज हैं तो बैटरी जंग खाती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको टर्मिनल खोलना है, ग्रीस लगवाना है और टाइट कर देना। अगर गाड़ी आप 1-1.5 महीने के लिए 2-3 महीने के लिए खड़ा कर रहे हो तो ये टर्मिनल खोल कर रख देना, बैटरी की लाइफ बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपने इंजन ऑयल हमेशा चेंज करवाना सर्विस के दौरान, और उसी दौरान आपने फिल्टर चेंज करवाना है, ठीक है, वैसे मिस्त्री कर ही देते हैं, आप भी ध्यान रखो। यहाँ पर अपना ऑयल चेक करो, जैसे मैंने आपको सिखाया, निकालो गेज को बाहर और ऑयल कितना होता है दिखाओ उसमें कैमरे में, नीचे रखो, कितना पॉइंट बताया मैंने आपको, पॉइंट देखो कहाँ है पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ऑयल की मात्रा कैसे चेक करेंगे, रेड होना चाहिए ना, हाँ चिकना रेड होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रेक होल कहाँ पे, जो कहाँ पे चेक करते हैं, ब्रेक होल बॉक्स है, ब्रेक देखते रहो आपकी, नहीं तो ब्रेक में दिक्कत आएंगी। यहाँ पर फिल्टर बॉक्स है, कई गाड़ियों में यहाँ पर होता है, कईयों में यहाँ पर होता है, तो आप देख लो फिल्टर बॉक्स का है, मिस्त्री से सीख लो, जब सर्विस कराने जाते देखते रहो खड़े खड़े, कंडीशन ख़राब है अगर एयर फिल्टर की तो चेंज करा लो, अन्यथा साफ़ करा के वापस लगवा लो। यहाँ पर वाइपर पानी शीशे साफ करने के लिए, यहाँ पर कुछ बेल्टें होती हैं, बेल्ट की क्वालिटी चेक करवा लो मिस्त्री से, ठीक है, ये खुद नहीं समझ आया हमें, उनसे समझना है। यहाँ पर आपके स्पार्क दिए हुए, ये 3 दिए हुए हैं ना, 3 तार स्पार्क के लिए गए हुए हैं, ये 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज होते हैं, ठीक है। 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद इंजन ऑयल को फ्लैश करवाओ, पूरा क्लीन करवा के फिर 20,000 किलोमीटर पर आपने अपना फिर नया एकदम फ्रेश ऑयल, वैसे 10,000 किलोमीटर सर्विस कराते हैं, 3 सर्विस कंपनी देती है, ठीक है।
यहाँ पे एक फैन दिया हुआ है, फैन की तरफ कभी हाथ नहीं डालना है, यहाँ पे खतरा लिखा हुआ है कि ये बंद कार में भी चल सकता है। अच्छा। फैन आपका बंद कार में चल सकता है। और रेटर को कभी गर्म है, अभी देखो अभी चल के आइए गाड़ी, हाथ लगाओ। हाँ जी। खोलते नहीं है, कुकर की तरह आपका फेस जला देगा, जब गर्म कुकर है। हाँ जी। चावल बॉयल किया और आपने खोल दिया तो सारे चावल बाहर है ना। सेम गैस में भी है, इतना मेंटेन रखो, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ। 3 सर्विस कंपनी देती है, उसके बाद 8000 किलोमीटर के बाद आप सर्विस कराते रहो, और कोई अच्छा सा मिस्त्री सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और अभी हम बोनट बंद करते हैं, चलते हैं गाड़ी की तरफ। आज भी हम सेकंड गियर में चल रहे हैं, लेफ्ट मिरर, सेंटर और राइट मिरर। सेकंड डे हमारा, जो हमने कल काम किया था उसमें हमने थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, ठीक है। सामने आपके ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आ गया, आधा क्लच ब्रेक करो और ब्रेकर निकल गया, ब्रेक छोड़ के हल्का हल्का रेस के लिए छोड़ देंगे, लेफ्ट चलते रहो। जैसे अगर मान के चलो, मैं दिखा रहा हूँ कुछ आपको, इस गाड़ी के आप पीछे चल रहे थे, वो पहले से ऑलरेडी हो गया है, तो हमने उसके 20 कदम पहले से हल्का सा राइट जाना था, फिर अगेन लेफ्ट आ जाना था। ये हमने इस तरह से बचाना होता है, ज़्यादा देर हम किसी साइड में नहीं चलेंगे। एक ब्रेकर और आया, वो ब्रेकर ऊंचा है, इस ब्रेकर पे हम फर्स्ट गियर में निकालेंगे, तो 20 कदम पहले पूरा क्लच नीचे दबाओ, लेफ्ट पैर को अंगूठे से 2 बार गियर फर्स्ट कर दो आगे, 1 और 2 गिनती गिनते हुए, आधा क्लच ब्रेक के साथ हल्का हल्का रेस क्लच पर छोड़ते आएंगे। ये हमने इस ब्रेकर से निकाला फर्स्ट गियर में, किसमें निकाला, गाड़ी सड़क पर खड़ी है और एक गाय भी खड़ी है, ब्रेक पर पैर लो, कंट्रोल करो, आधा क्लच ब्रेक से हल्का सा राइट जाएंगे, अगेन हल्का सा लेफ्ट आ जाएंगे। और जानवर के हमेशा पीछे से जाना है, जान दो उसको, फर्स्ट गियर लगा है, ब्रेक छोड़ो, हल्का हल्का रेस, तो जानवर को निकलने का वेट करना है, हल्का रेस, हल्का क्लच, धीरे धीरे बढ़ेंगे, अगेन वे अपना लेफ्ट ही पकड़ लेंगे, चलना आपको लेफ्ट ही है, ठीक है। आगे फिर अपना सेकंड गियर लगाएंगे आराम से, यहाँ से ब्रेकर से निकाल लो, क्लच नीचे करो, दोबारा रेस बढ़ा के गियर सेकंड लगा लो, फिर से 2 बार पीछे रेस मेंटेन करके चलो, क्लच छोड़ देंगे। तो फर्स्ट गियर से सेकंड में जाने में, सेकंड से फर्स्ट में जाने में कोई दिक्कत, भाई लोग आगे चल रहे हैं, लोकेश जी कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, आराम चलते रहो। तो जहाँ आपके कहने के मतलब ये कि जहाँ रेस बढ़ेगी वहाँ गियर बढ़ेंगे, जहाँ रेस कम होगी वहाँ गियर कम हो जाएंगे। हमने ध्यान रखना है, अगर हमारी गाड़ी फर्स्ट गियर में है तो सामने वाली गाड़ी से 10 कदम पीछे, सेकंड गियर में है तो 20 कदम पीछे, थर्ड गियर में है 40-50 कदम पीछे, मतलब जितना गियर बढ़ रहा है उतना डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं हम। हमारा अगर फर्स्ट गियर है तो हम क्या कहते हैं, 20 की रेस में चलते हैं, सेकंड गियर है 30 की रेस में चलते हैं, थर्ड गियर है 40 से नीचे नीचे चलते हैं, फोर्थ गियर है 50 से नीचे नीचे चलते हैं, अगर आपका फिफ्थ गियर चल रहा है तो 70, 80, 90, 100, जितना आपका कंट्रोल बनता है उस हिसाब से आपने गाड़ी को कंट्रोल करना है। इंडिकेटर नीचे दो, आधा क्लच ब्रेक करो, भीड़ आ रही है, फर्स्ट गियर लगा लो, क्लच नीचे, गियर पूरा फर्स्ट, हमने राइट टर्न करना है, धीरे धीरे घुमाते आएंगे, भाई को जाने दो, सबर करो, ब्रेक छोड़ो। सफलता की कुंजी कहती है कि धैर्य रखें, आपने जल्दबाजी की, अभी तक आपने लोगों के मंत्र पढ़े हैं, कोई आपका मंत्र पढ़ेगा, है ना। रेस मेंटेन करो, देखो जो है वो सामने है, रेस बढ़ाओ, 20 का वापस, ठीक है, क्लिच नीचे और गियर सेकंड वापस, अगेन रेस मेंटेन करके चलो, तो हम फिर से सेकंड गियर में आ गए और आज हमारा दूसरा ही दिन है, ठीक है। तो हम रोज़ अपना रोड चेंज करते रहेंगे और अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे जो हम सीखते जा रहे हैं। सामने फिर ब्रेक करा गया, फिर सेम काम, आधा क्लिच ब्रेक, अगर सेकंड भी गियर से टर्न करना चाहते हो तो गुड, चलते रहो रेस मेंटेन करके।
तुम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई तीसरा दिन है और आज हम आगे सरदो बस्ती पे काम वही है लेफ्ट मिरर सेंटर और राइट मिरर देखते हुए एवरी मिनट एवरी डे एक्टिव रहो हाथ हल्के रखो जितना आप हाथ हल्के रखेंगे स्टीयरिंग आपकी इतनी बढ़िया कंट्रोल में आएगी ठीक है चलते रहिए अच्छा काम कर रहे हो आज भी हम क्या कहते हैं फर्स्ट और सेकेंड ही रखेंगे डिवाइडर पकड़ के डिवाइडर छोड़ो देखो डिवाइडर से दूर गए गड्ढे गुड्ढे हल्के बहुत आ रहे हैं तो मैं स्लो करके निकालूँ ऑटो वाले तरह लेफ्ट राइट मत जाओ लेफ्ट राइट जाओगे बंदे आपके दोनों साइड से डिस्टर्ब करेंगे तो आप पेट से दबा के चलो ये आगे हाकिम डेरी सामने ब्रेकर ठीक है और ऑटो भी चल रहा है डिस्टेंस आपको बता ही दिया फर्स्ट गियर में 10 कदम पीछे सेकेंड गियर में 20 कदम पीछे ऑटो चल रहा है तो 30 कदम पीछे स्लो करो ब्रेकर दिखना बंद हो गया ब्रेक छोड़ो हल्का हल्का रेस लेके चलो कि हमने सेकंड गियर में टर्न कर लिया ब्रेकर ऊंचा तो फर्स्ट भी लगा सकते हो ठीक है अपनी वीडियो रोज़ देखना आपने काम क्या किया है और समय हो तो यूट्यूब पर भी एक वीडियो रोज़ देख लेना है चलते रहो बहुत अच्छे ले जाओ बहुत अच्छे अभी तक हम फर्स्ट सेकंड चल रहे थे आज आगे जा रहे हैं हम नाल की तरफ ठीक है लेफ्ट में ज़्यादा देखना है और सेंटर उससे भी ज़्यादा देखना है राइट कम देखेंगे डिवाइडर हमने पकड़ रखा है अब हमने रेंज बढ़ानी है 30 का कितना बढ़ाएंगे लोगे जी 30 का रेंज बढ़ाओ मीटर पे देख के नज़र हल्की सी जानी चाहिए मीटर पे ऐसा नहीं कि मीटर देखता रहो और लेफ्ट राइट गाड़ी थक जाए रेंज बढ़ गई आवाज़ भी कर रही गाड़ी ठीक है आराम से क्लिच नीचे करो न्यूट्रल करो क्लिच दबा के आगे और एक बार और गियर हो गया थर्ड कौन सा हो गया रेंज मेंटेन करना 30 से ऊपर ऊपर सब गाड़ियाँ निकल रही हैं ध्यान क्या रखना है जो गाड़ी ओवरटेक करेगी हमने स्लो करना है क्योंकि वो ओवरटेक करके हमारे सामने आएगी सभी आ रही आगे नज़र रखना है अपनी रेस मेंटेन करके चलते रहना है तीसरे गियर की रेस है तो 30 से ऊपर रेस बना के चलना है जैसे हमें माहौल बनेगा चौथे का तो हम रेस बढ़ा के 40 की और गियर चौथा लगा लेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जाने तक कोई दिक्कत रेस मेंटेन करो ठीक है तो चलते रहिए रेस मेंटेन करके 40 की बनाना है क्या करना है 40 बनाओ 40 की रेस हाथ हल्का रखना है 40 की रेस हो गई है क्लिच नीचे दो बार गियर पीछे 1 2 हल्का हल्का रेस मेंटेन करो और क्लिच को छोड़ दो और सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस गाड़ी का टॉप गियर है हाथ हल्का रखो टाइट मत करो जान लो भाई को नहीं रोकेगा बिगड़े बंदा रुकना सीखा ही नहीं है आपको रुकना है हमेशा बड़ी गाड़ी वाली की गलती होती है चलते रहिए हाथ स्मूथ रखना है 40 से रेस ऊपर होनी चाहिए नीचे नहीं आना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत अभी आपको चलते रहिए बहुत अच्छे अच्छी रेस है जरूरी नहीं कि आप तेज चलाएं जरूरी क्या है कि आप गाड़ी को सेफ चलाएं जान है तो जान है बहुत बढ़िया मिरर भी देखो अलर्ट रहना एकदम गाड़ी में गलती कभी माफ नहीं होती है बहुत अच्छे हाथ हल्का रखते हुए अलर्ट रखते हुए
सिंपल सी बात है, रेस बढ़ती है गियर बढ़ेंगे, जो आप सीख चुके हो, रेस कम होती है गियर कम होंगे, जैसे आपको सिखाया गया है। ठीक है, चलते रहो, बहुत बढ़िया, स्मूथ। यहाँ भी हल्का सा घुमाव आ रहा है, स्मूथ हल्का से रह जाएगा। एक हाथ आपका स्टीयरिंग पे है, एक गियर पे है, स्मूथ लेफ्ट लेफ्ट घुमाएंगे, घुमाव है, जैसे घुमाव सीधा हो रहा है वैसे हल्का हल्का सीधा कर लेंगे और अपनी साइड चलते रहेंगे। रेस मेंटेन है, चलो, बहुत अच्छे, स्माइल करते हुए चलना है, बहुत अच्छे, चलते रहिए। बढ़िया रेस आगे 50 की, गुड।